खबर जगदलपुर से है, जहां धान खरीदी केंद्र में लापरवाही बरतने की वजह से दो उपार्जन केंद्र के प्रबंधकों को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल कलेक्टर बस्तर और बकावंड ब्लॉक के धान उपार्जन केंद्र में निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे, जहां बारदाना का प्रबंध नहीं करने के चलते मूली और सोनाराम उपार्जन केंद्र के प्रबंधक और बारदाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही कलेक्टर ने सीमावर्ती इलाकों में कड़ी सुरक्षा करने का निर्देश भी दिया। इसके अलावा सभी धान खरीदी केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार खरीदी करने को कहा है। जगदलपुर में धान खरीदी केंद्र में बड़ी लापरवाही देखी गई है। कलेक्टर ने दो प्रबंधकों को हालांकि सस्पेंड भी कर दिया है। धान खरीदी केंद्र में लापरवाही पर यह बड़ा एक्शन, निरीक्षण के समय कलेक्टर को कम बारदाना मिलने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं, लेकिन यह बड़ा एक्शन देखा गया। बकावंड अनुभागों के जो धान खरीदी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान काफी धान खरीदी केंद्रों में निरीक्षण किया गया, उसमें मूली जो धान खरीदी केंद्र है और सोनारपाल जो बस्तर अनुभाग के खरीदी केंद्र है, वहाँ पे जो बारदानों का जो प्रबंधन को लेके और जो वहाँ की जो पूरी व्यवस्था को लेके काफ़ी असंतुष्टि मैंने दिखाया था। उसके बाद में जानकारी भी ढंग से संधारण नहीं करने के कारण से मैंने DCCB के जो नोडल्स है उनको स्पष्ट कर दिया था कि इनको हटाने का मैंने निर्देश दिया था।